नमस्कार साथियों, आज जिस गाने का पैच मैंने बनाया है वो भी अपने ग्रेट पंचमदा की ही कंपोजिशन है, उनका ही संगीतबद्ध किया हुआ गाना है। ये जमी गा रही है, आसमां गा रहा है, बहुत ही मधुर गाना है ये। इस गाने के लिए मैंने दो पैच बनाए हैं, पहला पैच जो कि स्थाई में बजेगा और दूसरा पैच वो है जो कि अंतरे में बजेगा, अंतरों में जो बजेगा वो दूसरा पैच है। तो आइए इन दोनों पैचेस की टोन एडिटिंग चार्ट आप पहले देख लीजिए। पहले मैं दिखा रहा हूँ जो पैच स्थाई में बजेगा उसका टोन एडिटिंग चार्ट, और अब देखिए जो अंतरों में बजेगा, जो पैटर्न अंतरों में बजेगा उसके लिए जो मैंने पैच बजाया उसका टोन एडिटिंग चार्ट। जो दूसरा पैच मैंने बजाया जो कि अंतरों में बजेगा वो मैंने तबले के साथ बनाया है, लेकिन यदि आपके साथ तबला प्लेयर हैं तो आप ये पैच में से तबले की टोन हटा के बजाइएगा डुग्गी की टोन के साथ, क्योंकि तबला प्लेयर तो अपने साथ है ही, अपनी टीम में है ही। आइए अब अपन इस गाने में बजने वाले जो भी पैटर्न्स हैं अंतरे में, स्थाई में, इंटरलूड्स में, प्रीलूड्स में, वो सब अपन वन बाई वन करके प्रैक्टिस करते हैं। पहले प्रैक्टिस करते हैं प्रीलूड में जो पैटर्न बजाए, जहाँ से गाना शुरू होता है प्रीलूड में जो पैटर्न बजाए पहले अपन वो प्रैक्टिस करते हैं। अब इसी के साथ लगे लगे जो पैटर्न स्थाई में बजेगा वोकल के साथ जो बजेगा 2 3 4 ये पैटर्न इस टाइम बजेगा। आइए अब अपन वो पैटर्न प्रैक्टिस करते हैं जो इंटरलूड फर्स्ट में बजाए, जो इंटरलूड फर्स्ट में आइए अब अपन प्रैक्टिस करते हैं वो पैटर्न जो इस गाने के अंतरे में बजेगा, जो अंतरों में जो पैटर्न बजेगा वो अपन प्रैक्टिस करते हैं।
इस गाने के एक इंटरलूड में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद सेकंड इंटरलूड में, एक अलग पैटर्न बजा है तबले के साथ, वो मैं बजा रहा हूँ, वो आप देखिएगा, वो पैच नंबर 2 में बजेगा, सेकंड पैच में वो पैटर्न बजेगा। 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and और इसके बाद फिर वही अपने अंतरे का पैटर्न पिकअप के साथ। इस गाने के एक इंटरलूड में जो पैटर्न बजा है वो पैच नंबर 1 और पैच नंबर 2 दोनों को मिला के बजेगा, वो आप सुनिएगा, उसमें डुग्गी भी इस्तेमाल हुई है। पहले तो यही बजा है, और इसके बाद इसमें डुग्गी ऐड हो जाएगी। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये पैच आपके समझ में आए होंगे और आपको अच्छे लगे होंगे, आपके काम आए होंगे।